गुड मॉर्निंग दोस्तों, जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं वो है हाउ टू स्टार्ट प्रिंटिंग बिजनेस और स्टार्टअप इन इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है, गौरव दलहिरव मेरा यूट्यूब चैनल है। कृपया सब्सक्राइब करें दोस्तों, ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो यदि आप स्टार्टअप प्रिंटिंग बिजनेस में है ऑलरेडी या किसी भी तरीके का प्रिंटिंग बिजनेस आप चलाते हैं या स्टार्टअप चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। और अगर कोई अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है प्रिंटिंग बिजनेस से रिलेटेड या कोई भी प्रिंटिंग स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो वीडियो उनके लिए भी है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि किस तरीके से कुछ प्रिंटिंग बिजनेसेस ने या स्टार्टअप्स ने नंबर वन कैटेगरी पाई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, किस तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया, किस तरीके से वो आगे बढ़े। मैंने केस स्टडी डाली है तीन के तीन करीब और इसमें बहुत सारा मटेरियल है कि आप नए क्लाइंट कैसे बनाएं, आप अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से बनाएं, आप किस तरीके से बिजनेस करें, बहुत सारी चीजें हैं। ये हिंदी और इंग्लिश का मिक्स होगा। मेरा नाम है गौरव और मेरा मोबाइल नंबर है 9906942300। मेरी ईमेल आईडी और मेरी वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है दोस्तों, यहाँ पे ब्लू कलर में। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू करें प्रिंटिंग का या स्टार्टअप शुरू करें। सो हाउ टू स्टार्ट अप प्रिंटिंग बिजनेस और स्टार्टअप इन इंडिया, लेट्स मूव अहेड। सो दीस डेज कस्टमाइजेशन टेक्स इट्स टोल। तो देखा जाए तो हर चीज कस्टमाइज हो रही है। लोग अपने लोगोस को अपने बैग्स पे प्रिंट कर रहे हैं, अपने मॉनिटर्स पे प्रिंट कर रहे हैं, अपने लैपटॉप्स की स्क्रीन पे, अपने मोबाइल के कवर्स पे प्रिंट कर रहे हैं। हर जगह कस्टमाइजेशन का दौर है तो इस दौर में प्रिंटिंग बिजनेस भी कस्टमाइज हो रहा है। तो ये कंटेंट किन लोगों के प्रिंटिंग पे है जो जो ये चीजें करना चाहते हैं या इस तरीके की प्रिंटिंग करना चाहते हैं या करते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। तो अगर आप 3D प्रिंटिंग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, ऑफसेट लिथोग्राफी प्रिंटिंग, लेटर प्रेस, डिजिटल प्रिंटिंग, एंग्रेविंग प्रिंटिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, थर्मोग्राफी, फ्लेक्सोग्राफी, ग्रेवियर प्रिंटिंग, स्प्रिट डुप्लीकेटर प्रिंटिंग, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग, जीरोग्राफी प्रिंटिंग, फोटोटाइप सेटिंग प्रिंटिंग, इंक जेट प्रिंटिंग, डाय सब्लिमेशन प्रिंटिंग, लेजर प्रिंटिंग, थर्मल प्रिंटिंग, अगर इसमें से किसी भी तरीके का बिजनेस स्टार्टअप या किसी भी तरीके का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। तो दीस डेज अगर देखा जाए तो ब्रोशर से लेके, स्टिकर से लेके, पेन्स के ऊपर कस्टमाइजेशन, नाम को लेके, मोबाइल कवर प्रिंटिंग को लेके, मग्स प्रिंटिंग को लेके, टी शर्ट प्रिंटिंग को लेके, बैग प्रिंटिंग को लेके, सब चीजों को लेके प्रिंटिंग के बिजनेस ने धमाल मचा हुआ है। बट प्रिंटिंग के बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों की जरूरत है। पहली चीज है शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस लेने की। अगर आप प्रिंटिंग और प्रिंटिंग के बिजनेस या स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं या करने वाले हैं तो शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस तो आपको लेना ही पड़ेगा, बिना इसके आप काम नहीं कर सकते। चाहे आप गोडाउन से कर रहे हो, चाहे आप शॉप से कर रहे हो, चाहे आप घर से कर रहे हो, शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस तो आपको लेना ही पड़ेगा। दूसरा है ट्रेड लाइसेंस, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि ट्रेड लाइसेंस ऐसा लाइसेंस है जो रेगुलेटरी और गवर्नमेंट बॉडी से लेना पड़ता है अगर आप किसी भी तरीके के ट्रेड बिजनेस में है। और ये एक तरीके का ट्रेड बिजनेस है जिसमें आप अपनी सर्विसेज को ट्रेड करते हैं प्रिंटिंग के फॉर्म में, तो ट्रेड लाइसेंस भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। बल्कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या LLP बनाना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर आप सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप से बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आप उससे भी शुरू कर सकते हो, बट प्राइवेट लिमिटेड और LLP मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि अगर आपने 3 साल पहले कंपनी बना ली तो उसका बेनिफिट आपको 3 साल बाद मिलता है। So you must think that if you are going to expand your business in future, अगर आप अपना business expand करना चाहते हैं future में, तो और funding लेना चाहते हैं, finance करना चाहते हैं अपने business को, तो private company या LLP के form में, limited liability partnership के form में अपने business को शुरुआत करें। हो सकता है कि थोड़ा costly हो शुरुआत में, but आपको इसका benefit बाद में जरूर मिलेगा। Trademark registration जरूर कराएं। अगर आप बहुत ही अच्छे brand की तरीके से बनना चाहते हैं printing business में या startup में, goods and service tax के बिना अगर आप किसी को invoice काट के देते हो या माल देते हो या invoice पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं ले रहे तो आपको हैवी पेनल्टीज लग सकते हैं। तो ये इलीगल काम है अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर जरूर लें। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको हर तीसरे महीने पे एक नई मशीनरी चाहिए होती है फॉरेन से, वो नए तरीके की प्रिंटिंग में कूद जाते हैं, तो उनके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए होता है। एक बार आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई करके ले लिया DGFT से, तो आपको कितनी भी बार इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट करें उसी एक IEC कोड से आपका काम चल जाएगा।
अगला लाइसेंस होता है एमएसएमई लाइसेंस। इसके थ्रू आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप प्रिंटिंग बिजनेस में आना चाहते हैं या आने वाले हैं या आ चुके हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। एमएसएमई लाइसेंस आप ले सकते हैं, बहुत इजी है, मैं आपको बता भी दूंगा इसके बारे में अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मेरा नंबर दिया हुआ है। एनएसआईसी लाइसेंस भी प्रिंटिंग के बिजनेस में बहुत ज्यादा किफायती और बहुत ही ज्यादा परिणाम पूरक है, तो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। अगर आप देखें तो आजकल बैग्स का जमाना, पॉलिथिन्स बंद हो चुकी है, मोदी जी का इनिशिएटिव बहुत अच्छा है और बैग्स की प्रिंटिंग बहुत अच्छी चल रही है, जूट के बैग, पेपर बैग, ठीक है, और क्या कहते हैं कपड़ों के बैग, बहुत सारे क्लोथिंग बैग्स, सब जगह मतलब देखा जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम चल रहा है। बेसिक्स अगर हम ध्यान रखें कि हमें क्या बेसिक अपनाने चाहिए अगर हम प्रिंटिंग बिजनेस में, तो अपनी एक नीश देख लें कि आप मग प्रिंटिंग अच्छी करते हैं, आप टी-शर्ट प्रिंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, या पेंस की कस्टमाइज प्रिंटिंग करते हैं, या आप बैग्स की प्रिंटिंग करते हैं, तो एक नीश ढूंढ ले, उसी के ऊपर ज्यादा फोकस करें। ऑल दो आप कर सब कुछ सकते हैं, परवेजिव हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं, बट एक चीज को नीश बना ले, बहुत स्पेशलाइज बना ले, अपने आप को फेमिलराइज करें अपने बिजनेस स्टैंडर्ड्स के साथ कि कितनी कॉस्ट पे चीजें आपके पास आती हैं, कितनी कॉस्ट पे आप चीजें करते हो, कोशिश करें कि प्रॉफिट कमाने की कोशिश करें। केयरफुल रहें, जो चीजें आपने कमिट कर दी हैं एज वर्ड्स वो ही आपको डिलीवर करनी है। चौथा पॉइंट जो है वो है डिटरमाइन करें इक्विपमेंट, मशीनरी की रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है प्रिंटिंग बिजनेस में। अगर आपने कोई गलत मशीनरी खरीद ली तो आपके लिए वो कॉस्ट है और आपके लिए लायबिलिटी भी, तो बहुत सोच समझ के अपनी इक्विपमेंट को चूज करें जो कि सस्ता रॉ मटेरियल यूज करे और काफी अच्छी क्वालिटी दे। तो कोशिश करें मशीनरी बहुत ज्यादा सर्च करके, रिसर्च करके लें, रिसर्च कर लें कॉम्पिटिशन के आप किन लोगों के साथ कम्पीट करने वाले हैं, किस बिजनेस में है, क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया तो आपकी कॉम्पिटिशन आपको एक ना एक दिन खा जाएगी। रिसर्च करें और जल्दी से जल्दी ऑब्टेन करें अप्रूवल और डॉक्यूमेंटेशन, ये मैं पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के बारे में है। अगर आप फंडिंग उठाना चाह रहे हैं तो दोस्तों शुरुआत के 3 साल भूल जाएं कि कोई स्टार्टअप इंडिया या ऐसी कोई चीज चमत्कार वाली होने वाली है कि आपको फंडिंग मिल जाए अनसिक्योर्ड। मैं रोजाना 10 से 20 कॉल उठाता हूँ लोगों की और सबकी कॉल्स में क्वेरीज में यही आता है कि हमें फंडिंग दिला दो या हम फंडिंग के लिए अवेलेबल हैं, हम कैसे फंडिंग दें। इतनी आसानी से फंडिंग नहीं मिलती दोस्तों। शुरुआत में बिजनेस आपको खुद के लोन्स, खुद की कोलेटरल सिक्योरिटी देके और न जाने किन किन तरीकों से दोस्तों से फंड लेके या किसी और से फंड लेके शुरू करने पड़ते हैं। तो सिक्योर फंडिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो कुछ साल बाद आता है जब बिजनेस आप एक्सपेंड कर रहे होते हैं या दूसरी सिटीज में ग्रो कर रहे होते हैं अपने बिजनेस को, या ब्रांच खोल रहे होते हैं अपने बिजनेस की दूसरी सिटीज में या स्टेट्स में, तब जरूरत पड़ती है इसकी। अभी कोशिश ये करें कि खर्चों को कम रखें और रेवेन्यू को ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। बिजनेस लोकेशन काफी अच्छी रखें, कमर्शियल अगर लोकेलिटी में आप रखते हैं, इंडस्ट्री जोन में, तो आपको बहुत ज्यादा चांस है कि आपके प्रिंटिंग का बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। टाइप्स करते जाए उसके साथ साथ बिजनेस लोकेशन में टर्न करें प्रिंटेड आइटम्स को प्रोडक्ट में, एक तरीके का सॉल्यूशन बना दे अपने प्रोडक्ट को कि अगर आप इस प्रोडक्ट को ऐसे बेचोगे इस पैकेजिंग के साथ जो कि प्रिंटिंग के फॉर्म पे है, तो वो आपको और ज्यादा मदद देगी, और ज्यादा फायदे देगी, और तरीके के परिणाम देगी, और तरीके के रेवेन्यू जनरेशन सोर्सेस देगी आपके प्रोडक्ट के लिए। तो आप लोगों के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए अपने प्रिंटिंग के बिजनेस को एक मस्ट हैव अपॉर्चुनिटी बना दें। ऑफर करें वैल्यू एडेड सर्विसेज, जैसे कि आपने 10 T-shirt प्रिंट करी तो 2 free कर दें। प्रमोट करें अपने प्रिंटिंग बिजनेस को, चाहे वो कैसे भी हो, स्टिकर्स के फॉर्म में या किसी और तरीके से करते जाएं। मग प्रिंटिंग आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है दोस्तों, लोग अपनी एनिवर्सरीज पे मग प्रिंटिंग करते हैं, बर्थडे पे मग प्रिंटिंग करवाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, किसी को कोई गिफ्ट देना होता है तो मग प्रिंटिंग होती है, सिपर प्रिंटिंग भी होती है, कीचेन प्रिंटिंग होती है, बैक प्रिंटिंग हो गई, और डैशबोर्ड प्रिंटिंग हो गई, मेमोरी कार्ड होल्डर प्रिंटिंग हो गई, कार्ड होल्डर प्रिंटिंग हो गई, USB पे भी लोग प्रिंटिंग कराने लगे हैं। अच्छा, किस तरीके से क्लाइंट्स बनाए जाएं और अपने बिजनेस को ग्रो करा जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत अहमियत का पॉइंट है, आइए बात करते हैं। स्पेशलाइज करें शॉर्ट रन प्रिंटिंग को। शॉर्ट रन प्रिंटिंग होती है कि जल्दी से काम पूरा हो जाए और बहुत ही किफायती तरीके से हो जाए। ऑफर करें यूनिक पेपर टाइप को, कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी लगाएं, हेल्प करें कस्टमर्स को ग्रो करने में कि उनके बिजनेस के लिए आपका प्रोडक्ट एक सॉल्यूशन है, एक अच्छी तरीके का दृष्टिकोण दे उन्हें, और उन्हें डायरेक्ट कोशिश करेंगे उनसे डायरेक्ट मिलके उनसे अपने बिजनेस को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें। उनका बिजनेस ग्रो होगा तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आपने अपनी प्रिंटिंग को सेल्स के तौर पर बढ़ाना है दोस्तों, ये बात दिमाग में ठान लीजिए, क्योंकि अगर आपने सेल्स और वॉल्यूम पे अपने प्रोडक्ट प्रिंट नहीं किए तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने अपनी सेल्स बढ़ानी है और कॉस्ट को कम करना है, जो कि यहां दिया हुआ है इंक्रीज योर प्रिंटिंग के फॉर्म में और नॉट योर ओवरहेड्स के फॉर्म में।
तो सेल्स बढ़ाएं और कॉस्ट को कम रखें, क्वालिटी अच्छी रखें, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ये एक मूल मंत्र है प्रिंटिंग के बिजनेस में। नो व्हाट मेक्स यू डिफरेंट, ये जरूरी है दोस्तों कि आप जो प्रिंटिंग कर रहे हैं दैट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अगर आप सेम अप्रोच फॉलो करेंगे, सेम स्ट्रेटजीज लगाएंगे, सेम तरीके के प्रिंटिंग कलर्स यूज करेंगे, सेम डिजाइन यूज करेंगे, तो कोई क्यों लेगा आपका प्रोडक्ट। आपको ये चीजें सोचनी है, समझनी है और अपने दिमाग में डाल के बिजनेस में यूज करनी है। एग्जीक्यूशन जब तक नहीं होगा प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है। नो योर कस्टमर्स, कस्टमर्स को जरूर जाने, कस्टमर्स की डिमांड चेंज होती है, उनके क्राइटेरिया चेंज होते हैं, उनके बिहेवियर पैटर्न्स चेंज होते हैं, हर साल कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो उनके डिमांड के साथ, उनके मूड के साथ, उनके बिहेवियर पैटर्न्स के साथ अगर आप नहीं बदले तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। एस्टैब्लिश कर लें एक आइडेंटिटी कस्टमर्स के दिमाग में कि हाँ जी हम इनोवेटिव हैं, हम बहुत नई चीजें करते हैं, बहुत अच्छी चीजें करते हैं, बहुत क्वालिटेटिव चीजें करते हैं, बहुत कम रेट पे चीजें करते हैं। आइडेंटिफाई करें, अप्रोच करते रहें नए मार्केट्स को। अगर आप पुरानी मार्केट में ही जमे रहेंगे तो कोई ना कोई आके आपको जरूर हटा देगा एक दिन। ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा पुराना असूल है बिजनेस का। इफ यू स्टैग्नेंट यू आर गॉन। हैव ए प्लान, बी कंसिस्टेंट। प्लान के हिसाब से चलें, लगातार मेहनत करते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, टाइप्स जरूर करते रहें। मैंने बोला है आपको कमर्शियल टाइप्स जरूर करते रहें। डिलीवरी अगर आपको कल देनी है तो कोशिश करें, अगर माल आज तैयार हो गया तो आज ही डिलीवरी कर दें, इससे आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। तो सरपास योर डिलीवरी टारगेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंप्लीमेंट करें वेब टू प्रिंट टेक्नोलॉजी को, कोशिश करें कंप्यूटर का यूज जितना ज्यादा हो पाए उतना ज्यादा बढ़िया है। और अगर कोई और चीज चाहिए आपको तो हमारे पास सारे सॉल्यूशन है क्लाइंट्स को लाने के लिए। अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो हम आपकी मदद कर सकते हैं इसमें। और मेरा मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ है, ये किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं है, एक ट्यूटोरियल है आपकी मदद के लिए। आजकल सिपर प्रिंटिंग है, बैक प्रिंटिंग है, बॉल प्रिंटिंग है, फ्रूट प्रिंटिंग है, टॉय प्रिंटिंग है, पेन्स कस्टमाइज की, चैन डायरीज, नोट पैड्स वगैरह वगैरह, सौ सौ तरीके की प्रिंटिंग है दोस्तों अगर करना चाहें। मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि मैं किस स्टडी लाऊंगा, वो ये है ब्रह्मा 3 करके एक कंपनी है जो 3D प्रिंटिंग में है। इसके अलावा प्रिंट वेन्यू भी एक ऐसी कंपनी है जिसने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। मक प्रिंटिंग, विजिटिंग कार्ड होल्डर प्रिंटिंग, ब्रोशर प्रिंटिंग, ग्रीटिंग कार्ड प्रिंटिंग, मोबाइल कवर प्रिंटिंग और एक विस्टा प्रिंट है। तो आइए चलिए बात करते हैं इन सब के बारे में, किस तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस ग्रो किया। पहले बात करते हैं प्रिंट वेन्यू की। प्रिंट वेन्यू एक बहुत अच्छी कंपनी है, काफी अच्छे तरीके से बिजनेस किया है उन्होंने। We do about 500 products for which we can do them as you want it and when you want it. For these 500 products, we have about a 50,000 design collection which you can choose from. Or if you want to have your own design, we'll just do it and do it. The problem always with our kind of business remains, how do we educate customers? How do we tell them that, hey listen, first of all, this can be done. I want to believe that we are pioneers in that. Just 2 years ago, nobody could have thought that you can ask feedback. All kind of corroborate that. This customer is this thing, it would look like this. So that's what even brought us to this point, and you know, yeah, customization is a feature of Digital India, and we realize the power of customization because as soon as we started advertising of our platform, online marketing basically, people were like talking like anything on the platform. And the biggest part is that, you know, all the products which had a lot of scope of customization, things, you know, there are a few things which I learned very clearly from the book. That, you know, if you do something on your own, you have to start from somewhere. So that's what me inspired. And there were a few circumstances, you know, I was not enjoying my corporate life. So I thought, you know, why don't take a break and, you know, explore something. So you can say the book was like 30% and I was getting bored into the corporate job. That's why I left. तो आपने देखा किस तरीके से प्रिंट अवेन्यू ने अपना बिजनेस बढ़ाया। आइए मैं आपको विस्टा प्रिंट के बारे में बताता हूँ। विस्टा प्रिंट ने किस तरीके से अपना कमर्शियलाइजेशन किया, देखिए। विस्टा प्रिंट का एक तरीका था
ये देखिए ब्रह्मा तीन, एक 3D करके एक कंपनी है, ब्रह्मा 3D प्रिंटिंग करके इन्होंने मशीन हार्डवेयर इनोवेट करी है, एक स्टार्टअप इंडिया का, और काफी अच्छी तरीके से ग्रो किया इसने। 3D प्रिंटिंग में ये बहुत ही अच्छे प्रिंट निकालते हैं। ये इनकी कुछ डिटेल्स है, स्पेसिफिकेशंस, अगर आप ब्रह्मा 3 का कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जिसके थ्रू 3D प्रिंटिंग करना चाहते हैं, उसकी फीचर्स वगैरह सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। तो फीचर्स देख लेते हैं इसकी, हीटेड बेड वगैरह, फ्रेम डिजाइन, इंटरफेस, काफी अच्छी चीजें दे रखी हैं, काफी बढ़िया तरीके से क्या क्या प्रिंट करता है, किस तरीके से प्रिंट करता है, और 3D प्रिंटिंग है कि अगर आपको इसके बारे में जानना है तो सारी डिटेल्स मांग सकते हैं आप। विस्ता प्रिंटिंग में कार्ड प्रिंटिंग भी है, ऑल प्रोडक्ट्स अगर देखा जाए, एम्ब्रॉयडर्ड अपैरल्स हैं, मेंस के लिए कॉर्पोरेट गिफ्ट्स हैं, माउथ पैड्स, कैप्स, लैपटॉप बैग्स, वॉल कॉरिडोर्स, बैनर्स और पोस्टर्स भी हैं, लेबल्स हैं, स्टिकर्स हैं, पर्सनलाइज मग्स हैं, कैलेंडर्स हैं, डेस्क कैलेंडर्स, वॉल कैलेंडर्स हैं, फोटो गिफ्ट्स हैं, प्रिंटेड अपैरल्स हैं, लेटर हेड्स भी दिए हुए हैं, प्रिंटेड अपैरल्स, मार्केटिंग मटेरियल्स में गिफ्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह वगैरह, पोस्ट कार्ड वगैरह, सौ सौ तरीके की चीजें हैं दोस्तों। तो काफी अच्छा बिजनेस किया है इन्होंने, मग प्रिंटिंग, पर्सनलाइज कैप्स प्रिंटिंग, और ऑल ओवर द इंडिया ग्रो कर लिया। प्रिंट एवेन्यू भी इसी तरीके से है, मग्स देखिए, दुर्गा पूजा के मग्स की प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडर्ड ऑफिस के लिए अगर प्रिंटिंग करनी है वो सारी चीजें दी हुई हैं। इनकी ऐप भी है, बल्कि देखा जाए तो काफी अच्छी 30% ऑफिस प्रोडक्ट्स पे ऑफ दे रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा फ्रेम दिया इन्होंने पोस्टर A3 का, तो A3 प्रिंटिंग, बिजनेस कार्ड्स प्रिंटिंग, कैलेंडर, सब कुछ है इनके हाथ में अगर देखा जाए तो। अगर दोस्तों चाह है तो राह है, यदि आप अपना प्रिंटिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी शुरू करिए बिना किसी समय को गवाए, और कोशिश ये करिए कि अपनी रिसोर्सेज को यूज करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे परेशान कर सकते हैं इस नंबर पे 9909069420 पे, इसी नंबर पे मैं व्हाट्सएप पे भी हूँ। अगर मेरी कॉल ना लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी दी हुई है gauravdelhirav@gmail.com, मेरी वेबसाइट है www.csgauravsharma.com। बट ये किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं है, कहीं भी ये किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं माना जाना चाहिए, ये एक तरीके का ट्यूटोरियल है। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और वो लाल जो सब्सक्राइब बटन है उसे जरूर दबाएं, और साथ में उसके बगल में जो बेल का बटन है उसे भी जरूर दबाएं। तो थैंक यू।